गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह ही कर रही हूँ मैं। तो कल आपने देखा था बहुत व्यवस्था पर, बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित हमारा दिन था कल। तो आज ना सुबह हम बहुत जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि मामी लोग आए हुए हैं, दादा लोग मेरे, तो उनको छोड़ने जाना है बस अड्डे पर। तो बच्चों को भी मैंने जल्दी उठा दिया है और मैंने ना नहा धो लिया है। और मामी की बड़ी इच्छा थी मेरे घर में आने की, तो अभी सडनली हमने अचानक प्रोग्राम चेंज करा और श्रीमान जी चले गए हैं उनको लेने के लिए 6 बजे, और वो आने वाले भी होंगे। तो मैंने सोचा ना क्यों ना मामी को यहाँ घर दिखाई दे और यहाँ से मिला के यहीं से विदा करूँगी। तो वो उनको लेने गए हैं। बाकी बेटा उठ गया, हेलो हेलो, ये रेडी भी हो चुका है ना। मैंने कहा रेडी हो जाओ, सब लोग रेडी रहोगे तो मेरे लिए भी सहूलियत हो जाएगी। तो ये मेरी हेल्प कर रहा है। कल आपने देखा था पूरे घर की हालत क्या थी, तो बेडशीट वगैरह बिछा रहा है। बाकी बेटी नहाने गई है और मैं फटाफट ना बच्चों के लिए लंच बॉक्स से पैक कर लेती हूँ उनके आने से पहले, और दिया जला देती हूँ। तो चलिए आपसे ना थोड़ी देर में मिलते हैं। बाकी आप सब लोग ठीक ठाक ही होंगे और फिर मिलती हूँ आपसे आराम से, और जब वो लोग आ जाएंगे उनसे भी मिलाऊंगी। चलिए, ये देखो भैया आ गए हैं। ये लोग इतना टाइम लगा दिया इन्होंने आने में भी। क्या है ये? अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तो बहुत देर से वेट कर रही थी। आओ मामी, ये आ गई मेरी मामी। प्रणाम बोलो। कैसे हो? ठीक है बहू। मेरा घर भी देख के जाओ ना यार। ओ यार, आराम से देख लो ना, आराम से। बैठो। हेलो हेलो, हाय, ये है मौसी। मौसी तो कितनी बार मिल गई मौसी। किसो, किसो। बड़ी वो हो रही थी यार मामी को। मैंने कहा सिवा मामी देख के नहीं जाएगी तो कैसा लगेगा। तभी तो पानी पीते हो, चाय पीते हो, नाश्ता सब करके आयो ना। हाँ ठीक है, फिर चलिए मैं ही मिलती हूँ इन लोगों से फटाफट। ये नाश्ता कर रहा है मामी को, मैं दिखा देती हूँ सब। देख लो अंदर को, लाइट खोलो। तो ये मौसी, इनसे आप कई बार मिल चुके हैं, और ये है हमारी मामी। चलो दो मतलब हमारी मम्मी मतलब मौसी लोग होते हैं, एक ही भाई है हमारे मामा जी जो इस दुनिया में नहीं गए। तो मामी है और मामू के बेटे हैं मेरे भाई छोटे, क्योंकि इतनी दूर से रोज आना जाना नहीं हो पाता है ना, बहुत कम होता है। तो आज बहुत सालों में मामी आई है, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है और मुझे बुरा लग रहा है कि मैं मामी को अपने साथ एक रात भी नहीं रख पाई, क्योंकि कंडीशन भी ऐसे हो गई थी। आप फिर आना। बाकी ये दादी है जिनकी तबीयत जो दिखाने के लिए आए थे, क्योंकि पहाड़ों में देखो असुविधा की वजह से ना ऐसे पहाड़ वालों की इधर उधर भटकना पड़ता था। पहाड़ में सुविधा होती तो शायद ये आज यहाँ नहीं आते। तो अभी इनकी भी ना थोड़ा सा यहाँ पर बाल बताया है ना, थोड़ा पसली में लगी हुई है, तो ठीक हो जाएंगे। बस माता रानी ठीक करके आपको, क्योंकि इन्हीं के भरोसे वहाँ घर भी है, इन्हीं के उससे ही है पीना। वहाँ हमारे जो मम्मी की मायके की दिली है इन्हीं की वजह से बची हुई है। अब कभी मौका मिलेगा तो मम्मी को लेके जाने की इच्छा है, एक बार मम्मी को उनकी मायके की दिली दिखाऊँ। तो जैसा भी रहेगा बाकी आते रहना दादी। हाँ बहुत
देखो लड़कियों के काम ऐसे ही होते हैं, बेटा तो आराम से रेस्ट कर रहा है, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, मैं आपको सीधे शाम को मिल रही हूँ। दरअसल दिन भर आज मन नहीं लगा बिल्कुल कुछ, ना किसी से बोलने का मन, ना कुछ, ऐसे ही हो रहा था आज मेरा मन। वैसे इतना नहीं करते बेटा, अभी शाम के ना 4 बज चुके हैं और अभी अभी वॉश करो से। अभी ना आया था मेरे मामा जी के बेटे का यानी कि दादी का फ़ोन आया था कि हम पहुंच चुके हैं। बाकी ना मामी मेरे लिए लेके आई थी घर के फल, ये देखिए ये पका हुआ है, पेड़ के डाली के आम है ये, तो बहुत सालों में ये आम आए, कह रहे थे बहुत सारे लाए हैं। मैं सोची थी इनको काटूं, तो बहुत सारे आम हैं ये और मम्मी के लिए भी लाए हैं, ख़ास तौर पर मम्मी के लिए और मेरे लिए ही लाए थे। उनकी इच्छा थी कि अपने घर के पेड़ के आम हैं 2 दाने चख लेंगे करके, कुछ कुछ कच्चे कच्चे तोड़ के लाए होंगे, थोड़े बहुत पक गए हैं इसमें 2 दिन में। तो ऐसा होता है ना प्यार मोहब्बत, मायके का कहते हैं ना, मायके की ढेली का ना कुत्ता भी प्यारा होता है कहते हैं, तो वो सही बात है। और इतना सारा प्यार, ये फल नहीं है उनका, ढेर सारा प्यार है। आज कई वर्षों में उस पेड़ में ना फल आए होंगे, तो उनकी भी बड़ी इच्छा हो रही थी कि मतलब ख़ास तौर पे मम्मी और मेरे लिए ही लेके आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इनको जब खाएंगे ना तो ऐसा एहसास होगा ना, मतलब ऐसा लगता है कि हम जैसे वहीं पर ही पहुंच गए हैं, तो वो एहसास शायद कोई किसी को बयान नहीं कर सकता, अपने आप को ही महसूस होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा ढेर सारा ये प्यार देने के लिए, और अच्छा लगा मुझे। बाकी मन में एक ही चीज़ रह गई थी कि बस कि मामी 1-2 दिन मतलब मेरे साथ भी रहती, 1 रात ही सही मेरे संग रहती, लेकिन क्या करूँ, जिस दिन मैंने मामी को बुलाया था उस दिन ना सुबह से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही थी, और फिर हमारे यहाँ पर ना कुछ ऐसा ही हो गया, मतलब अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ। एक तो हमारे जस्ट थोड़ा सा बगल में ना एक आंटी है, अचानक ही उनको हार्ट अटैक से ना उनका देहांत तो हो गया था, और फिर मन ऐसे ही हुआ ना, फिर दौड़ भाग में भी ज़्यादा, श्रीमान जी भी घर में नहीं थे, कभी ग्वालापाड़ जाना आना बच्चे के पीछे लगे हुए थे, और मेरे को भी टाइम नहीं था, कभी मैं वहाँ जा रही थी कभी यहाँ। फिर रात को भी आपने देखा था हम इतनी रात को नीचे गए, क्योंकि ऊपर दीदी यानी कि हमारे जो दीदी हैं जीजा जी की, माता जी का भी स्वर्गवास हो चुका है, वहाँ भी 4-5 दिन हो गए हैं, तो ऐसी दौड़ भाग में ही रहे। और फिर अभी जब दादा का फ़ोन आया तब से थोड़ा मन मेरा अच्छा हुआ है, नहीं तो दिन भर आज मेरे को बड़ा गंदा महसूस हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था जो भी। और मम्मी को पता नहीं कितना बुरा लग रहा होगा, मैं उनसे भी बात नहीं कर पाई, मैंने कहा बाद में ही बात करूँगी, क्योंकि मुझे पता है उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, कितने वर्षों में चाहे वो उस ढेली में अपनी नहीं पहुँच पाई, लेकिन मायके की ढेली से उनके लिए देखो फल भी आए, खुद मामी आई उनसे मिलने के लिए, तो उनको कितना अच्छा लगा होगा ना। और जाते समय उनको बहुत बुरा लगा होगा, जब मुझे इतना लगा तो उनको कितना ज़्यादा लग रहा होगा। तो मम्मी इसके पास भी सोच रही हूँ जाने की, लेकिन आज नहीं मतलब कुछ टाइम बाद जाऊँगी, थोड़ा बरसात नहीं पड़ जाएगी तो मैं मम्मी को फिर से अपने पास ही ले आऊँगी। बाकी थोड़ा बाहर जाती हूँ, आज दिन भर ऐसे ही काट दिया मैंने, और बाहर भी आज इतना गंदा मौसम हुआ है, कभी धूप कभी बारिश, मतलब एक उदासी भरा मौसम, बारिश भी बारिश जैसी नहीं आ रही, बौछार जैसी आ रही है, हवा में उड़ जा रही है, तो मौसम भी ऐसे ही हुआ है और माहौल ही ऐसा हो रहा है आजकल में, तो हमारे देखो मतलब बड़ा गंदा लग रहा है, सब ऐसे ही हो रहा है चारों तरफ, जहाँ भी सुनो कुछ अच्छा नहीं सुनाई दे रहा है। इस बीच मतलब 2-4 दिन से थोड़ा परेशानी हो ही रही है। तो बाकी बाहर को चलते हैं, थोड़ा पेड़ पौधे देखते हैं, बाहर खेतों में काम करना था, रोज़ सोच रही हूँ टाइम ही नहीं हो पा रहा है, तो आज जाते हैं फूल बाड़ी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं बाहर अभी मौसम कैसा हो गया है, फिर अंदर आके खाने पीने की तैयारी करेंगे।
तो चलो सीधे अब सीधे ना गार्डन में ही चलते हैं। बाकी बेटी का आपने देख ही लिया था, उसका तो फैशन ही ख़त्म नहीं हो रहा है। कहाँ गई? धो लिया फेस, इधर देखो ये आईलाइनर वाइनर, बाबरे ऐसी बनी थी ना, अभी कितनी अच्छी लग रही है। बच्चे ऐसे ही अच्छे लगते हैं बेटा। ओ बिंदी भी उतारो, मैं बाहर खेत में जा रही हूँ। हाँ आ जाओ फिर, चलो फिर पढ़ाई करोगे। चलो आओ, तो जी यहाँ पर ना गहरा गहरा खड्डा खोद दिया मैंने, खूब बड़ा है ये। और पहले हम ना खेत में यहाँ पर जो भी था सब्जी वगैरह उगाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन ना होती नहीं है, नुकसान बहुत हो जाता है। तो इस बार ना हमने पूरा गार्डन बना दिया है, तो चारों तरफ लगा दिया हमने पेड़ पौधे, फल फूल और बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। तो अभी ना हम इसमें उस तरफ को सारे पपीते के पेड़ लगा दिए हैं, तो अभी दो चार पेड़ और लगाते हैं, क्योंकि साग सब्जी तो भैया हो ही नहीं रही है, नुकसान हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। और बच्चे भी खेलते हैं तो पेड़ होंगे तो फल फूल खाएंगे। तो अब हमने इस खेत को बना दिया है गार्डन, बहुत प्यारा सा। और एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी का पेड़ भी है, मुरझा गया है, अब देखते हैं लग जाएगा तो बढ़िया है। और दो तीन पेड़ और लगाने हैं, पपीते खाने आना फिर पपीते, वो बहुत सारे पपीते के पेड़ लगा दिए हमने। बाकी इसमें अनार भी नहीं बढ़ रहे हैं, मैंने पहले कई बार दिखाए, पाकेट का नहीं क्या हो रहा है, ये इतना बड़ा साइज तो हो गया इसका। और पसीना हो रहा है, मेहनत का पसीना है ये हमारी। बाकी इस तरफ लगाए हैं फूल, ये देखते हैं दिवाली तक अगर फूल फाल मिल गए तो। अब एक पपीते का पेड़ होंगे, इसको लगाऊंगी यहाँ पर, तो यहाँ पर कर लेते हैं खुदाई। हेलो जी, एक पपीते का पेड़ ये लगाया है, बाकी हमने सब ये हाजी लगा दी यहाँ पे, हाजी के फूल दीपावली के टाइम पे इसमें वो सारे फूल हो जाएंगे, तो हम दीपावली में पार्सन को फूल खरीदने नहीं पड़ेंगे। पपीता लगाया हमने, आ कितने पेड़ लगा दिए पपीते के? चार, दो यहाँ दो वहाँ। ये लास्ट पेड़ है? हाँ। तो लगा चुके हैं हम सारे पेड़ वगैरह, बाकी ना अब अंदर जाते हैं और काम करते हैं। और बाकी आज की वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेके, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, पहला जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी।